पंचायत हलकों का इलेक्शन होना है। बहुत सी जगहों पर हमारी ही पार्टी के कैंडिडेट जो हैं एक दूसरे के मुंह के मुकाबल खड़े हो गए। जहां एक से ज़्यादा हमारे कैंडिडेट होंगे वहां हम अल्लाह के रहम करम पर और पब्लिक के रहम करम पर उनको छोड़ देते हैं। हम किसी एक में वहाँ हमायत नहीं कर सकते। हमारे सामने सारे बराबर वो कैंडिडेट हैं जहाँ एक से ज़्यादा हों, चाहे वो मुख्यास हो, मुख्यास में ज़्यादा कैंडिडेट हैं, चिल्ली में हमारा एक कैंडिडेट है किच्चू साहब, तो यहाँ जहाँ हमारा एक ही कैंडिडेट है वहाँ ओपन हम उसकी हमायत करेंगे। जनाबे नासर, जनाबे नासर, जनाबे किच्चू साहब, जनाबे वहाँ हम अपने पार्टी की कारकर्दगी कि हमने अपने दौरे हुकूमत में क्या क्या काम किए और उसके बाद जो पार्टियों से मुखालिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जो सरकार मिली जुली सरकार रही उस दौरान में क्या कुछ हुआ यहाँ, वो सभी आवाम के सामने तैयार हैं। उनकी भी जो नाकामियां, खामियां, ज्यादतियां हैं वो हम आवाम के सामने रखेंगे और अपनी पार्टी की कारकर्दगी भी जो है आवाम के सामने रखेंगे। उसके बाद जो आवामी अदालत में हम अपना जो है केस रखेंगे और अपोजिशन वालों का भी, तो वो फिर आवामी अदालत ने फैसला करना है, आप लोगों ने फैसला करना है कौन सही है और कौन गलत है। जो गलत होगा उसको आपने मुस्तरद करना है, चाहे वो कितना ही बड़ा अपने आप को समझता होगा। सबसे बड़ा वो है जो आवाम की खिदमत करेगा हमारे सामने में, जो गरीब आवाम की भलाई और बेहबूदी के लिए काम किया हुआ जिन्होंने है या आगे आने वाले वक्त में जिन्होंने काम करना होगा, और जो फिरका परस्त पार्टी है चाहे वो हिंदू धर्म के नाम पर फिरका परस्ती फैला रही है या इस्लाम के नाम फिरका परस्ती फैला रही है, उनको बिल्कुल ही आवाम को रिजेक्ट करना चाहिए। और हमारा मिशन है हिंदू और मुस्लिम, सिख ईसाई भाईचारे का और तामीर तरक्की का पूरे हिंदुस्तान के अंदर और यहाँ भी हमारे अपने भदेश जिला डोडा भदरवाह वगैरह के अंदर यही हमारा मिशन है। तो लिहाजा मैं एक बार फिर आपसे हमारी दुआएँ हैं हर कैंडिडेट के साथ, हमारा पूरा तावन होगा वहाँ जहाँ हमारा अकेला कैंडिडेट है, लेकिन जहाँ दो या तीन से ज़्यादा हैं जैसे मुख्यास में हैं और भी कुछ पंचायतें हैं, तो वहाँ जो है हम दुआ करेंगे उनके लिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की खिदमत करें अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। बस इतना।